हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम एक बार फिर से डीडी फ्रीडिश को लेकर ही बात करेंगे और खास कर हम दो स्लॉट्स को लेकर बात करेंगे जो हमारे लिए अभी भी MPEG 2 स्लॉट में खाली हैं। यानी वहां पर हमारे लिए कोई नया चैनल लॉन्च क्यों नहीं किया गया। सबसे बड़ा सवाल यही है, कुछ दिनों पहले ही हमारे लिए फिल्मची और शो बुक चैनल बंद हो गए हैं और उसके बाद से यहाँ पर हमें उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं इसी 45वीं ऑक्शन के माध्यम से हमारे लिए कुल 7 चैनल्स लॉन्च किए जाएंगे, लेकिन खबरों के मुताबिक केवल 5 ही चैनल्स हमारे लिए स्लॉट जीत पाए और 5 ही चैनल्स को यहाँ पर लॉन्च होने का मौका मिला है। ऐसा नहीं है कि बाकी चैनल्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, पार्टिसिपेट किया था लेकिन कुछ कारणों के चलते वह हमारे लिए स्लॉट नहीं जीत पाए, लेकिन मौका केवल 5 चैनल्स को ही मिलना था क्योंकि डीडी फ्रीडिश ने इस बार जो 45वीं ऑक्शन की है वो केवल 5 ही स्लॉट्स को लेकर की है। अब बात आती है दो स्लॉट्स की कि यहाँ पर हमारे लिए कौन से चैनल लॉन्च हो सकते हैं और अगर यहाँ पर हमारे लिए ई ऑक्शन नहीं हुई है तो कब उसके लिए ई ऑक्शन होगी। तो दोस्तों इसके बारे में हम पूरी डिटेल में बात करेंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अभी कर दीजिए, बेल आइकन दबाते ही ऑल पर प्रेस अभी कर दीजिए, साथ में इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस के तमाम नोटिफिकेशन भी सबसे पहले मिलते रहे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। तो दोस्तों बताना चाहूंगा, अभी जो आपके लिए 45वीं ई ऑक्शन की घोषणा हुई थी ना, वो केवल 5 ही स्लॉट्स को लेकर हुई थी, लेकिन उस दौरान आपको मालूम भी होगा कि केवल 5 ही ऐसे स्लॉट्स थे जो खाली थे। अचानक से 2 या 3 दिन पहले हमारे लिए फिल्मची और शो बॉक्स को बंद कर दिया गया, तो डीडी फ्रीडिश ने उसके इस 45वीं ई ऑक्शन में शामिल नहीं किया क्योंकि पहले से जो थी यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी गई थी ब्रॉडकास्टर्स के साथ कि केवल 5 ही स्लॉट्स को लेकर ई ऑक्शन हो रही है, तो केवल 5 ही स्लॉट्स को यहाँ पर मौका मिलेगा और बाकी जो 2 स्लॉट्स हैं उन्हें फिलहाल खाली रखा गया है, तो उसके लिए अलग से ई ऑक्शन की जाएगी फुलफिल करने के लिए। अब दोस्तों सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये ऑक्शन होगी कब। तो दोस्तों कभी भी इसका ऐलान हो सकता है। फिलहाल डीडी फ्रीडिश जो बिजी है वो अब 46वीं ई ऑक्शन को लेकर, जो कि MPEG 4 स्लॉट्स को लेकर करने जा रहा है, और उसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगी 46वीं ई ऑक्शन, तो उसके बाद एक बार फिर से MPEG 2 स्लॉट को लेकर ई ऑक्शन होगी जिसमें हमारे लिए 2 स्लॉट्स को फिल जो है किया जाएगा और साथ में यहाँ पर कोई भी बड़ा ब्रॉडकास्टर का चैनल भी आसानी से एक बार फिर से पार्टिसिपेट कर सकता है, जिसमें आपका सोनी वाजो किसी न किसी कारणों के चलते रह गया वो यहाँ पर आपके लिए लॉन्च हो सकता है, और उसके अलावा स्टार उत्सव मूवीज है वो भी हमारे लिए लॉन्च हो सकता है। अभी तक कुछ कंफर्मेशन नहीं आई है लेकिन पूरी उम्मीद की जा रही है कि दोनों चैनल हमारे लिए एक बार फिर से वापस से लॉन्च हो सकते हैं या फिर हमारे लिए यहाँ पर इशारा टीवी जो चैनल है वो भी पार्टिसिपेट कर सकता है। बाकी इसके अलावा आपके मन में कोई भी सवाल हो, इसके ई ऑप्शन के बारे में कोई सवाल हो तो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। तो दोस्तों 2 स्लॉट्स को लेकर अभी आपको कुछ इंतजार करने की जरूरत है। नमस्कार।